सो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे अभी अपडेट किया है कि आज जो बिटसेट का आइट्रेशन का रिजल्ट आने वाला है वो 8 बजे के आसपास आएगा, तो आप स्टे ट्यून्ड रहें। जैसे ही आता है हम आपको बता देंगे। बट यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो हम आपको बताने जा रहे हैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग, कि आज पहला आइट्रेशन है, 2024 काउंसलिंग का पहला आइट्रेशन है। तो इसमें जो भी बच्चे को सीट मिलेगा वो अलॉटेड, मतलब बोल सकते हैं कि अलॉटेड हो गए हैं कोई भी ब्रांच जो भी आप सेलेक्ट किए हैं चॉइस फिलिंग में किसी भी कैंपस में, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा फी अगले 3-4 दिनों में पे करना पड़ेगा। अगर वो मिस करते हैं तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, और अगर आप पे कर देते हैं तो आप अगले राउंड में जाते रहेंगे जब तक कि आप खुद से ऑप्ट आउट नहीं करते काउंसलिंग से। और दूसरा केस, जिनको भी वेट लिस्ट का मिला है, मतलब नॉट अलॉटेड एनी सीट, उनको वेट लिस्टेड फी पे करना है। उस केस में भी अगर आप नहीं पे करते हैं तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो आप पेमेंट करना इंपॉर्टेंट है, आइदर आप अगर एडमिटेड लिस्ट में या वेट लिस्टेड में हैं तो आपको पेमेंट करना इंपॉर्टेंट है टाइम जो दिया गया उसमें, 2-3 दिन के अंदर। इसके बाद बात करते हैं कि अभी कट ऑफ बहुत कम गया है, तो आगे मतलब कट ऑफ बहुत ज़्यादा रैंक पे क्लोज हो गया है, तो अभी का कब तक चेंज हो सकता है? तो जनरली जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है इंग्लिश चैनल के थ्रू, ऑलरेडी 6 साल से हम गाइड कर रहे हैं, तो तीसरा राउंड के बाद जो तीसरा आइट्रेशन होता है उसके बाद ज़्यादा कट ऑफ चेंज होता है। इस बार भी देखें, तीसरा आइट्रेशन के बाद वो फिजिकली कॉलेज में बुलाएंगे जितने भी बच्चे को सीट मिल चुका है, तो उसमें से बहुत सारे बच्चे नहीं जा पाते किसी कारण, और बहुत सारे बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाता है, मतलब मैक्सिमम का तो हो ही जाएगा लेकिन कुछ कुछ बच्चे का नहीं होता, तो उस केस में वो सारा सीट फिर जो से नीचे मार्क्स वाले बच्चा है उसको दिया जाता है, उस केस में कट ऑफ चेंज होता है। तो अगर आपका मार्क्स बहुत कम है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ सीट, तो ज़्यादा जो चांस है वो थर्ड आइटरेशन के बाद होगा। और आपको अगर कंप्लीट गाइडेंस मेरे से चाहिए, क्या पॉसिबिलिटी नहीं है, क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, अदर काउंसलिंग में ज्वाइन हो जाना चाहिए, अदर कॉलेज जो भी मिल चुका है आपको, मणिपाल, VIT, कॉमेट के, EEE या SRM या फिर और भी कोई, तो उसमें जाना है या इधर जाना है, ये पूरा कंसल्टेंसी मिलेगा आपको, उसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया गया है। उसके बाद हम आपको अभी से एडमिशन तक गाइड करेंगे कंप्लीट प्रोसेस के लिए, ताकि आप सही कॉलेज एंड ब्रांच में एडमिशन ले सकें। तो ये था अपडेट बिटसेट के रिगार्डिंग, कि आपका आइट्रेशन 1 का रिजल्ट 8 बजे के बाद आएगा। जैसे ही आता है हम आपको अपडेट कर देंगे, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आपको अपना कंप्लीट गाइडेंस में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हम, और आपको किस तरह से हेल्प मिलेगा इससे। कंप्लीट गाइडेंस जो होता है वो अभी से लेकर जब से भी आप कॉन्टेक्ट करते हैं तब से लेकर एडमिशन तक का कंप्लीट गाइडेंस, मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए हम हेल्प करेंगे। चॉइस फिलिंग, जो पर्सनल चॉइस फिलिंग है वो हम करके देंगे आपको। राउंड वाइज डिस्कशन होगा कि क्या आप करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए, नहीं, वो सारा चीज़ हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे रेगुलरली, ताकि आप एक अच्छे काउंसलिंग करके अच्छे कॉलेज में जा सकें विद बेस्ट ब्रांच। और ये काउंसलिंग सारे तरह के काउंसलिंग के लिए, दोसा, CSAB, जैक वैली, जैक चंडीगढ़, MSCCT, VIT, मणिपाल, कॉमेट के, EEEE, जितने भी तरह के काउंसलिंग अक्रॉस इंडिया, सारे के लिए हम गाइड करेंगे आपको। कंप्लीट प्रोसेस जो होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जो कि चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड, और उसके बाद कॉलेज में जाके एडमिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 4-5 ऑप्शन आपके पास रहते हैं या फिर 10 ऑप्शन भी रहते हैं कॉलेज के, तो किसमें लेना है वो सारा चीज़ डिस्कस करके बेस्ट जो होगा आपके लिए उसमें हम एडवाइस करेंगे, ताकि आपका 4 साल का बीटेक कोर्स और उसके बाद फ्यूचर करियर सही हो सके।